ठीक है, डन। चलो तो हम लोग कहाँ छे, वो तो पूरा स्लाइड ही डिलीट हो गया। तो बेसिक सॉल्ट हाँ बेसिक सॉल्व ना, सिस्टमेटिक एरर की वजह से किसी वो पूरा मेरा चला दिया। चलो ठीक है, वापस से हम लोग लिख लेते हैं। बेसिक सॉल्व, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्ट वाला डेफिनेशन एंड एग्जांपल नोट डाउन कर चुके थे, जब वापस से हाँ बताए। सर, सर हाँ सर, नोट डाउन हो गया सर, बस ओके ठीक बेसिक सॉल्ट बाकी है। है। तो बेसिक सॉल्व सिस्टम में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन चलो इसके बीच में होगा बेसिक सॉल्व स्ट्रॉन्ग बेस एंड विथ एसिड के बीच में होगा स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, सपोज हम लोग लिए NaOH और विथ एसिड लिए थे हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH। प्रोडक्ट क्या बना था बताओ, प्रोडक्ट CH3CONA+H2O। CH3CONa+H2O। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम एसिटेट। बहुत अच्छे, सोडियम एसिटेट। तो ये होगा मेरा बेसिक सॉल्ट, ठीक है, जहां स्ट्रॉन्ग बेस और विद एसिड के रिएक्शन के बीच में होगा। अभी हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का और एक डेफिनेशन बता रहे हैं। हाँ सर, हो गया सर, कंटिन्यू। चलो तो यह जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो मैंडेटरी रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो का हो गया तो। सर हाँ ठीक है, देखो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का और एक डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय कटायनित पोर्शन, कटायनित पोर्शन ऑफ ए बेस। बेस का जो कटायनित पोर्शन है वो कटायनित पोर्शन से अगर कोई भी एक एसिड का जो हाइड्रोजन है उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट, देन द सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग अभी दिए H2SO4, उसके साथ लिए थे NaOH। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना था, Na2SO4 बना था विथ वाटर, कंडीशन था ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सॉल्ट मेरा प्रोड्यूस हुआ था इसको बोला दिया न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन मान लो अगर ये रिएक्शन मेरा लेस देन 200 डिग्री में हो रहा है तो मेरा कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaHSO4 बनेगा। तो ये NaHSO4 किसके रिएक्शन में हुआ, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन में ही हुआ ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो न्यूट्रल बन रहा था तो इसको भी न्यूट्रल होना चाहिए, बट नो दिस इज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, क्यों डेफिनेशन में क्या बोला, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड
बाय तटायन इज पोर्शन ऑफ ए बेस। तो बेस का तटायन कौन होता है? सामने जो मेटल या फिर अमोनियम प्रेजेंट होता है वही होता है ना। तो देखो ये बेस का जो तटायनित पोर्शन है इससे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है एसिड का इस वाले सिचुएशन में। क्यों? दो हाइड्रोजन था लेकिन रिप्लेस कितने हाइड्रोजन हुआ है? ओनली वन। एथ हाइड्रोजन तो अभी भी प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो ये कंपाउंड तो अभी भी एच प्लस डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? दिस कंपाउंड कैन डोनेट एच प्लस टिल नाउ और नॉट? यस सर। तो एच प्लस डोनेट करना मतलब क्या प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी ना। एच प्लस डोनेट करना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी होता है ना। यस सर। यस सर। यस। तो ये सॉल्ट मेरा एच प्लस अभी भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। कोई भी ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा जिसमें जो एसिड और बेस लिए थे उसमें से अगर वो एसिड का टोटल हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। और वैसे तो एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेने के बाद भी अगर एसिड का टोटल हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहा है, दैट्स मीन इट इज एसिडिक सॉल्ट। पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है तो एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो डाउट है इसमें? चलो नोट डाउन करो जल्दी, फिर बेसिक सॉल्व भी बता। हाँ सर, नोट डाउन हो गई। हाँ रहती है अच्छा। ঈশান আদের ক্লাসটাই ছিল, রেতলিনটা তাদের আদে ছিল কিন্তু। হ্যাঁ তো আবি দেখো বেসিক সল্ট কি হতা তব আদার হাম বতা লে কি অ্যাসিড কা হাইড্রোজেন পার্শিয়ালি রিপ্লেস হো রহা হ্যায় বাই দা টাইনিক পোর্শন অফ বেস। তো সিমিলারলি বেসিক সল্ট কি হতা? সল্ট হুইচ ইজ ফর্মড বাই পার্শিয়াল রিপ্লেসমেন্ট অফ OH माइनस आयन, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन ऑफ अ बेस बाय, अब देखो यहाँ पर देखो बेस का OH तो रिप्लेस कौन किया है? बेस का OH तो रिप्लेस कौन किया है? अनायनित पोर्शन ऑफ एसिड। अगर एसिड का हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर रहा है बेस का कटायनित पोर्शन, तो बेस का OH तो रिप्लेस कौन करेगा? एसिड का अनायनित पोर्शन। सो OH माइनस ऑफ ए बेस रिप्लेस्ड बाय अनायनित पोर्शन ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट पेज में देते हैं। यहां पर नहीं होगा, डेफिनेशन पहले लिख लो। ठीक है, यस लिखा हूँ।
तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, सपोज मान लो मेरे पास है, सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड है, सपोज इसके साथ रिएक्शन हो रहा है HCl का और प्रोडक्ट दे रहा है कुछ ऐसा, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो दो OH था उसमें से एक OH रिप्लेस हुआ है Cl से, तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH हुआ ना बाय अनायनित पोर्शन ऑफ एन एसिड, तो इस सॉल्ट को बोला जाएगा मेरा बेसिक सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज इट कैन डोनेट OH आयन टिल नाउ, अभी तक इसके पास OH है जो ये डोनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये भी होता है कि उसके पास अभी भी H+ आयन प्रेजेंट है जो वो डोनेट करते एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। बेसिक सॉल्ट का मतलब है कि वो अभी भी उसके पास OH- है जो कि वो डोनेट करते बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। सिंपल सा लॉजिक ये है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एसिड विथ बेस इट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस विथ एसिड दैट्स मीन स्ट्रॉन्ग सॉरी बेसिक सॉल्ट। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। बहुत अच्छा, चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, तो सबसे पहले बात तो ये बताओ जो सॉल्ट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड? क्लास 10 में हो मतलब हम लोग तो पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में तो हुआ था फर्स्ट दो चैप्टर। तो सॉल्ट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड? All salts are ionic in nature. सारा salts are ionic in nature. That's mean electrovalent compound. That's mean they are electrovalent compound. समझ में आया? सारा का सारा सॉल्ट तो आयनिक सॉल्ट है, कहीं पर भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन ही नहीं है। हिंदु कटायंस और अनायंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना बार बार, तो कटायंस और अनायंस कहां से बने थे? बाय द टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर ये आयोनिक इन नेचर है तो हम तो बताओ ये वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? आयोनिक कंपाउंड सर वाटर सॉल्युबल और नॉट? सो वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, तो सॉल्ट्स आर इन जनरल वाटर सॉल्युबल। कुछ कुछ सॉल्ट मिलेगा जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है या फिर रियली सॉल्युबल होता है, इन जनरल दे आर वाटर सॉल्युबल। नंबर थ्री, सॉल्ट आर न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक। प्रॉपर्टीज तो याद रखना, बेसिक सब प्रॉपर्टी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, याद रख लेना। अभी देखो सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस करते हम लोग सॉल्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे या फिर तीन टर्म बताएंगे। कौन सा तीन टर्म ना? एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है
इनसॉल्युबल सॉल्ट RS होता है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल या फिर स्पेयरिंगली सॉल्युबल या फिर पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। तो देखो सॉल्युबल सॉल्ट का क्या मतलब है, सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है अगर 1 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो जाए, एटलीस्ट 1 ग्राम, ठीक है, एटलीस्ट 1 ग्राम, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एटलीस्ट 1 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है इन 100 ml ऑफ वाटर, इन 100 ml ऑफ वाटर, देन इट इज सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। एटलीस्ट 1 ग्राम सॉल्ट अगर डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में तो इसको बोला जाता है सॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल कौन सा, अगर 0.1 से भी कम सॉल्युबल है, लेस देन 0.1 अगर सॉल्युबल हुआ, लेस देन 0.1 ग्राम सॉल्युबल हुआ इन 100 ml, दैट्स मीन इट इज इनसॉल्युबल। एटलीस्ट 1 ग्राम डिजोल्व होना चाहिए, एटलीस्ट 1, दैट्स मीन इट इज सॉल्युबल। 0.1 से अगर कम सॉल्युबल हुआ, 0.1 ग्राम से भी कम सॉल्युबल हुआ तो इनसॉल्युबल। स्पेयरिंगली या पार्शियली का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में रहेगा, दैट्स मीन 0.1 ग्राम से लेकर 1 ग्राम के रेंज में अगर सॉल्युबल हुआ, 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट अगर सॉल्युबल हुआ इन 100 ml ऑफ वाटर, तब इसको बोला जाता है स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अगर 1 ग्राम से भी 1 ग्राम से भी कम सॉल्युबल है, 1 ग्राम से अगर एटलीस्ट 1 ग्राम सॉल्युबल है तो इट इज कॉल्ड सॉल्युबल, 0.1 से कम सॉल्युबल है तो इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, और 0.1 से 1 के बीच में अगर है तो इट इज कॉल्ड स्पेयरिंगली सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले बताओ। नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। हो जाए तो बोलना। यस सर, हो गया सब तो हुआ। यस सर, ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, सॉल्व का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट प्रिपरेशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। अभी देखो सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने तो बहुत सारा प्रोसेस है, जिसमें से हम लोग कुछ प्रोसेस क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना, केमिकल चेंजेस वाला चैप्टर में, जहां बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, हाँ या ना। हाँ तो देखो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो सोडियम तो लिए,
सोडियम के साथ हम लोग क्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन करवा दिए, तो ये मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा NaCl, और हम तो पता है NaCl इज द सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक। तो ये मेरा डिजॉल्व हो जाएगा। सपोज मान लो आयरन, आयरन के साथ हम लोग Cl का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन का, तो ये प्रोड्यूस करेगा FeCl3, फेरिक क्लोराइड इज द सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। इवन फेरस क्लोराइड इज ऑल्सो सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। तो फेरस क्लोराइड प्रोड्यूस हो या फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस हो, दोनों वाटर सॉल्यूबल बनेगा। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूबल सॉल्ट बना सकते हैं। फिर जाते आ सकता है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोसेस याद रखने का जरूरत नहीं है, मतलब नेम याद रहे या ना रहे उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉल्युबल है, बस। तो जैसे कि मान लो सपोज जीन के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 का, तो याद करो ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़े थे, एसिड का रिएक्शन में पढ़े थे, एसिड का रिएक्शन विद मेटल में पढ़े थे, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? जो है ना ये सॉल्युबल है, क्योंकि ये H2SO4 जो लेंथ है ये एक्वस रहेगा ना, डेफिनेटली हम लोग उस टाइम में बोले थे डाइल्यूट H2SO4 लेना है, याद आ रहा है? Yes, sir. तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब क्या, उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसी वाटर में क्या होता है ZnSO4 सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब इट विल फॉर्म इन एक्वस स्टेट, ठीक है। और हाइड्रोजन बबल्स की तरह निकल जाएगा, कोई पूछे भी थे शायद एफर्वेसेंस इसी को बोला जाता है, ठीक है, याद नहीं आ रहे कोई पूछे थे या नहीं। तो ये ZnSO4 एक्वस बनेगा, सॉल्युबल हो गया, H2 बाहर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। फिर जाते देते हैं, तो रिएक्शन ऐसा भी है जहां पर कार्बोनेट्स का रिएक्शन होगा एसिड्स के साथ, तो इसमें जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो मेरा सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है। कार्बोनेट्स या फिर बाई कार्बोनेट्स के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, बाई कार्बोनेट्स लेते हैं, जैसे कि मान लो पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिए, इसके साथ HCl का रिएक्शन करवाए, तो ये रिएक्शन भी हम लोग एसिड वाला चैप्टर में पढ़े थे, तो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होता था, एक सॉल्ट हुआ था, वाटर हुआ था और CO2 हुआ था, यस सर। तो अभी बताओ तो ये सॉल्ट जो फॉर्म होगा, सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? KCl, एकदम सही बताए थे, ये जो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स रहेगा इसका जो मेटल, इसके साथ एसिड का एनायनिक पोर्शन, नॉन मेटलिक पोर्शन KCl, तो KCl इज द सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक। सपोज मान लो HCO3 ही है और इसके साथ सपोज HNO3 ले लिए या फिर H2SO4 ले लिए, तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बनेगा? ये सारे प्रोसेस से हम लोग तो सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, प्रोसेस तो सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं, रिएक्शन हम लोग तो पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, सिर्फ हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे थे, इस रिएक्शन में जो सॉल्ट बना वो सॉल्युबल सॉल्ट है। चलो लिखो जल्दी से, सर हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा ना,
सर हो गया। तो यह जिसका नहीं हुआ है। हाँ सर हो गया। चलो अभी दे तो। अगर बाइकार्बोनेट सर एसिड के बीच में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम लोग वहां पर पढ़े थे ना कि बाइकार्बोनेट सो या फिर कार्बोनेट सो दोनों में प्रोडक्ट सेम होता है, तो अगर कार्बोनेट भी लें दे तो भी तो मेरा KCl ही बनेगा एंड दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट। हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मेरे पास सपोज अदर सपोज मेरे पास कार्बोनेट है और उसके साथ एसिड का रिएक्शन करवा दिए तो भी जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो मेरा सॉल्युबल सॉल्ट होगा। सपोज Na2CO3 तो लिए, HCl तो यहाँ ले लिए, तो सॉल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? NaCl, दैट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट नियर अबाउट सेम है। इसके बाद और एक प्रोसेस आता है, इट वॉज द प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ये रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं इसलिए इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या रिएक्शन है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी बताओ किसको न्यूट्रलाइजेशन पता नहीं है? सबको पता है। हाँ सर पता है सर, सबको पता है। अगर किसी को डाउट है नहीं है तो वो बोल सकते हो। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड के साथ मेरा बेस का रिएक्शन होता है और जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, कोई भी एसिड बेस ले लो चलेगा। फिर ज्यादा क्या है? क्लोराइड एंड सल्फेट। हाँ, क्लोराइड सॉल्ट के साथ, क्लोराइड सॉल्ट के साथ एसिड का रिएक्शन। ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट के साथ एसिड का रिएक्शन। तो देखो NaCl मेरा क्लोराइड सॉल्ट है और H2SO4 मेरा एसिड है, तो यहां से बताओ कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? सर Na2SO4। Na2SO4 एंड Na2SO4 इज सॉल्युबल, सो Na2SO4 एंड HCl सॉल्युबल सॉल्ट मेरा प्रोड्यूस हुआ। फिर जाते देखो कुछ मेटल्स और कुछ बेस का रिएक्शन में भी मेरा सॉल्युबल सॉल्ट होता है। मेटल एंड बेस के रिएक्शन में सॉल्युबल सॉल्ट होता है, जैसे कि मान लो जिंक प्लस NaOH प्लस H2O, ये जो रिएक्शन है यहां से क्या बनेगा बताओ? देखो जीन देने वही वाटर जब है तब यहां पर मेरा बनता है जीन, है ना? नहीं सॉरी, यहां बनेगा NaZnO2 और यहां पर बनेगा Na2ZnO2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी हम लोग किए थे बेस वाले पोर्शन में, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंटेट एंड सोडियम मेटाजिंटेट। यस सर।
बस तो ये रिएक्शन से भी हम लोग तो सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर होता है। हम लोग तो सिर्फ इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल पूछे तो नहीं ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा सर बनते सोडियम होंगे बट। मेटाजिंकेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम जिंटेट कौन सा है बताओ इन दोनों में से, सर यही तो है ये सर, वाला सर है वो ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला। वाला, तो ये मेटा जिंटेट हो दिया। ठीक ओके सर। है चलो, तो सॉल्युबल सॉल्ट के बाद हम लोग जाएंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट और फिर कुछ सॉल्ट लैबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है जल्दी से इसको नोट डाउन करो। कौन कौन सा सॉल्ट दिया हुआ है? एथ है, FeCl3, फिर है कॉपर सल्फेट, अच्छा देन ZnSO4, सर सबका हो गया। अच्छा ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है ठीक है, इसमें हमको सिर्फ याद करना है, यहाँ पर कुछ लॉजिक वाला बात नहीं है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट समझने का बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर याद करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो इसमें भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मेरा प्रिपेयर हो सकता है, डिपेंड ये कर रहा है ना कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। जैसे सोडियम और क्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, सोडियम और क्लोरीन का, तो NaCl बना, NaCl सॉल्युबल है, लेकिन लेड और सल्फर का जब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, लेड सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड का सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनता है, लेड सल्फाइड का क्या बनता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, मतलब लेड सल्फाइड इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास जेडन है, जेडन प्लस सल्फर का भी अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं तो मेरा बनता है जेडन एस, दैट इज आल्सो इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, फिर जाकर मान लो जो प्रोसेस है, अगर मान लो मेटल ऑक्साइड प्लस हम लोग CO2 का रिएक्शन करा रहे हैं या फिर SO2 का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये भी मेरा इनसॉल्युबल सॉल्ट ही प्रोड्यूस करता है। तो एक मेटल ऑक्साइड सपोज हम लोग ले लिए सोडियम का, ले लिए चलो Na2O प्लस CO2 का रिएक्शन हुआ, तो क्या बना? Na2CO3 एंड सोडियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, बट सोडियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल। सोडियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल बट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सपोज मान लो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके साथ CO2 का रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनेगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट बट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, अभी देखो कुछ ऐसा रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं जहां पर इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर होता है, त्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा ना, मान लो जैसे मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन करवा दिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? सर डबल डिस BSO4 BASO4 2HCl प्लस HCl, तो HCl। हाँ सर सही है। BASO4 इज इनसॉल्युबल सॉल्ट वेयरएज HCl इज सॉल्युबल। वैसे ही मान लो मेरे पास अगर ये है कि सिल्वर नाइट्रेट है और इसके साथ HCl का रिएक्शन हो रहा है, तो हम तो पता है कि यहाँ पर HCl का प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का और HNO3। ठीक है, ये सारा रिएक्शन हम लोग 8 वाले चैप्टर में भी एक बार देखे थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल में। ठीक है, नोट डाउन करो इससे जल्दी से।
सर अगर कोई सॉल्ट सर इनसॉल्युबल है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। कौन सा? और एक बार बोलो। सर अगर कोई सॉल्ट सर अगर कोई सॉलिड सॉल्ट सर अगर कोई सॉलिड सॉल्ट अगर सर इनसॉल्युबल है वो तो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना। हाँ, जो इनसॉल्युबल है वो ऑटोमेटिक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, जमा हो जाएगा, फिर उसको हम तो फिल्टर पेपर से अलग कर लेना पड़ेगा। सर तो फिर ZnS और PbS सर सॉलिड नहीं है तो हाँ, सॉलिड ही है, इसीलिए तो वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिट नहीं है सर ये दोनों नहीं है सर ये दोनों प्रेसिपिटेट है कि नहीं है। हाँ है, इनसॉल्युबल तो मतलब भी है कि वो प्रेसिपिटेट बन रहा है। इनसॉल्युबल है तो मतलब भी वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब कैसा? प्रेसिपिटेट इन द सेंस कि पूरा सॉलिड नहीं भी हो रहा है लेकिन वो नीचे जमा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। घर में एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग वाटर में चौक डस्ट डाल दिए तो चौक डस्ट पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, वो धीरे धीरे जाकर नीचे जमा होता है, लेकिन वो पूरा सॉलिड तो नहीं है ना, बट वो प्रेसिपिटेट है। नीचे जाते इनसॉल्युबल नहीं हुआ, सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल है, नीचे जाते जमा हुआ, हम लोग उसको भी प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यस सर और वहीं पर अगर हम लोग सैंड तो डाल दे, सैंड तो सैंड प्रॉपर सॉलिड है, वो नहीं इनसॉल्युबल है, वो भी नीचे जाते जमा हो रहा है, उसको भी प्रेसिपिटेट बोलेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ कि सॉल्युबल नहीं है, नीचे वो भीतर में रिएक्शन मीडियम में नीचे जाते जो जमा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके सर और यहां तक नोट डाउन हुआ? हाँ सर हो गया हाँ सर, हो गया। और बहुत अच्छी बात है, सबका हुआ, किसी का छूटा है? हाँ नहीं छूटा है, चलो अभी हम तो सिर्फ एक बात, पहले ये बात क्लियर करो कि नेक्स्ट क्लास में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ बच्चे बोले थे मूल कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए ना, मूल कंसेप्ट स्टार्ट करने बोले थे लास्ट क्लास में हमको, इस चैप्टर के बाद मूल कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए। ये कौन सा स्कूल के लिए बोले थे, एक बार बता दो जल्दी से, तब हम उस हिसाब से सर पैटर्न। मेरा सर सोदपुर जी सोदपुरे जी, अच्छा। और भी किसी स्कूल में ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में? हाँ सर अभिजीत भी बोले तो उसका स्कूल में भी है सर अच्छा, अब कौन सा स्कूल है अभिजीत का? विंसेंट विंसेंट है, ओके विंसेंट है, ठीक है। तो एग्जाम डेट कब है, कुछ बोला है? सबसे हम लोग का तो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई जुलाई, हाँ सर 5 जुलाई। बाकी चैप्टर हो चुका है, मतलब बाकी जो चैप्टर हुआ है वही आ रहा है ना, हाँ सर केमिकल बॉन्डिंग और मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अदर्स स्टूडेंट्स का क्या अपडेट है, थोड़ा बताएंगे स्कूल एग्जाम्स का? अदर्स स्कूल पे जो भी बच्चे हैं उनके लिए पूछ रहे हैं, ये सोदपुर जी और भीमसेन छोड़ पे। आहान, हाँ सर तुम्हारा क्या अपडेट है स्कूल एग्जाम का? 38 जून को होगा सर केमिस्ट्री हम लोग का 30 जून को होगा। 30 जून को कौन कौन सा चैप्टर हो दिया है, सारा चैप्टर? सर सर नहीं सर एसिड बेसिस सर हम, ए भी खत्म हाँ सर, कराएंगे हाँ सर, तो एसिड ये भी सर हम बेसिस लोग का मतलब पूरा, मतलब ठीक से नहीं बोला लेकिन बोला कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा, अगर अच्छा एसिड बेस सॉल्व स्कूल में खत्म कर दिया तो वो भी इंक्लूड कर देगा। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्व तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास इज बिफोर 30 जून ना, यस सर, यस सर, ठीक है। तो तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। आहान और अपूर भाई इन सेम स्कूल, यस सर, यस सर, अच्छा, यस सर ओके। सेम क्लास सेम फूड आर्यन, आर्यन सर सर एजी चैट सोधपुर एजी सोदपुर, मतलब तुम लोग का भी मूल कॉन्सेप्ट वाला पैटर्न है, ठीक है। हाँ सर और ईशान,
सर ईशान भी सेम क्लास सेम स्कूल है सर पैट्रिक्स पैट्रिक्स हाँ सर सुप्रतीम भी पैट्रिक्स तो पैट्रिक्स का क्या पैटर्न है सर 38 जून को होगा सर और सिलेबस दिया नहीं है अच्छा सिलेबस दिया नहीं है ठीक है तो हाँ यहाँ पर जैसे तुमने तो बुक सिलेबस के हिसाब से हम जो दे पा रहे थे सर लेकिन कोई सर पैट्रिक्स की तरफ से कोई चिंता नहीं है सर कि हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट से आगे नहीं बढ़ाएगा सिलेबस अच्छा वो लगता है एसिड बेसिस हाँ सर क्योंकि सर बहुत मतलब इतना ठीक मतलब स्लोली बहुत जाता है बहुत स्लो है बस बहुत स्लो है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में तो मेरा ये चैप्टर हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे तब मोल कांसेप्ट चलेंगे सीक्वेंसली मेरा था एनालिटिकल केमिस्ट्री लेकिन मोल कांसेप्ट पहले करवा देंगे उसके बाद हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाएंगे एट क्लास तो मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोग तो जो यहाँ पर देख रहे थे फोर पार्ट दिया हुआ है ए बी सी डी चारों पार्ट आ रहा है हाँ सर हम लोग का तो मतलब जो सिलेबस में हाँ सर मतलब ऑल द फोर पार्ट्स डेल उसात लो रिलेटिव एटॉमिक मास परसेंटेज एंड कैलकुलेशन बेस सारा यस सर अच्छा मोल कॉन्सेप्ट बिफोर 5 जुलाई साला का पार्ट खत्म करना है सारा पार्ट तो खत्म हो ठीक है देखते हैं अच्छा ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम देखते हैं फिर नहीं होता तो फिर मेकअप करवाया जाएगा इन्हें नहीं हाँ केमिस्ट्री का डेट कब है 5 जुलाई सर केमिस्ट्री 15th को 15th जुलाई केमिस्ट्री है 15th जुलाई ठीक है हम कुछ प्लानिंग करते हैं ठीक है करवा दे हो जाएगा आज हुआ मेरा 18 ऑलमोस्ट हाँ हो जाना चाहिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हो जाएगा लास्ट दोनों चैप्टर तो एक दिन में ही हो जाएगा सिर्फ हाँ हो जाएगा ठीक है ओके तुम लोग बाकी चैप्टर्स प्रिपेयर करते चलो नेक्स्ट क्लास के बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व खत्म करते उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे ये मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना ठीक है क्योंकि सॉल्व में क्या बचा सॉल्व में तो सिर्फ प्रिपरेशन बचा ना सॉल्व में सिर्फ प्रिपरेशन बचा प्रिपरेशन में कितना दिन लगेगा हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा क्योंकि प्रिपरेशन से तुम लोग सीखता नहीं है फिर हमको रिएक्शन थोड़ा समझाना है उसके बाद तो ये एफर्वेशन वाला पोर्शन की जरूरत है हाफ एन आवर या फिर जो पैटर्न हम सेट करके रखे थे देखते हैं कि कब शॉप पे आएंगे सर 6 से 7 क्लास मिलेगा मैक्स टू मैक्स 6 से 7 क्लास लगेगा इसमें लगेगा नहीं सर हम लोग को मिलेगा 15 जुलाई से पहले 6 क्लास कैसे मिलेगा 1 मंथ ही तो बचा सर शायद 3 क्लास मिलेगा सर क्यों सर संडे को नहीं होता सर हम लोग का क्लास नहीं सैटरडे को बस केमिस्ट्री होता है सर अगर मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेके मतलब वीकेंड्स में छोड़ के अगर मंडे ट्यूसडे कोई भी टाइम अगर एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे ना तो शायद चैप्टर खत्म हो सकता है बाकी टीचर्स भी शायद यही कर रहे हैं सर क्योंकि मतलब पहले मतलब जो हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना वो मतलब पूरा सिलेबस दे देते हैं थोड़ा ऊपर नीचे होगा इसका डेट अगर दे दे भी तो उसमें तुम लोग तो फिर कोऑपरेट करना पड़ेगा जो भी ट्यूशन रहता है उसमें छोड़ के क्लास करना पड़ेगा हाँ सर सर कल भी दे सकते कल सुबह को शाम को कभी भी सर नहीं तो हाँ जो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कल को तो ये बाद में होगा हम पहले शेड्यूल बना लें फिर से जाकर हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे बीच में
ठीक है चलो, तुमने बातें की तय करो, फिर हम प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके। ठीक है चलो।